हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डबल कतरी कट ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग करना बताएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे यहाँ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ से बैक पार्ट काट करूँगी क्योंकि ब्रा कट ब्लाउज में पहले बैक पार्ट काट करने से फ्रंट पार्ट काट करने में बहुत आसान होता है। तो ब्लाउज का लंबाई हमेशा आप अपने हाइट के अनुसार लेना है और यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा लाइन सीधा करना है। तभी देखिए लंबाई आप अपने हिसाब से लेना है। मैं यहाँ से 15 इंच का ब्लाउज का लंबाई रखूँगी। उसके बाद हमें लेना है शोल्डर। तो शोल्डर में यहाँ से 5.5 इंच रखूँगी और नेक लाइन 2 इंच और नेक डिप यहाँ से लेना है 7.5 इंच तक नेक डिप रखूँगी और यहाँ से 2 इंच बराबर मिलाऊँगी। तभी देखिए इसको हल्का सा राउंड शेप लगाना हूँ। उसके बाद यहाँ से लेना है आर्महोल। आर्महोल में यहाँ से 6 इंच रखूँगी और यहाँ से 5.5 इंच बराबर मिलाऊंगी। उसके बाद लूँगी चेस्ट। तो जैसे कि ये 38 चाय से मैं यहाँ पर 38 को 4 से डिवाइड करूँगी तो 9.5 इंच और एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच तक लिया है और कमर चेस्ट से 1 इंच कम रखूँगी। यहाँ पर देखिए 1 इंच का शेप लगाऊँगी। बैक पार्ट काट करने के बाद अभी हम फ्रंट पार्ट काट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अस्तर को मैंने एक साइड की तरफ से घुमा लिया। फिर हम देखिए काटा हुआ बैक पार्ट को इसका ऊपर में रखूँगी और इसी के हिसाब से यहाँ पर निशाना लगा लूँगी। तो इसको निशाना लगाने के बाद देखिए अभी हम बैक पार्ट से फ्रंट साइड की तरफ से एक्स्ट्रा 2 इंच ज़्यादा रखूँगी क्योंकि ब्रा कट ब्लाउज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ज़्यादा रखना पड़ता है, नहीं तो आपका ब्लाउज़ फ्रंट साइड की तरफ से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच बराबर है तो हमें और निशाना लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए हाफ इंच का शेप लगाऊँगी तो इसको हम इस तरह से मिला दूँगी। फिर देखिए हम यहाँ से फ्रंट नेक लूँगी। फ्रंट नेक देखिए हम यहाँ से 7 इंच का फ्रंट नेक रखूँगी। तो इसको देखिए हम बॉक्स बना लूँगी। तभी देखिए हम बास पॉइंट के लिए मेजरमेंट लूँगी। आपका बास पॉइंट जितने इंच तक आता है उतने इंच ही लेना है और यहाँ से देखिए बास पॉइंट आता है 11.5 इंच तक और यहाँ से और एक इस तरीके से भी ले सकती है। यहाँ से 5.5 इंच का निशाना लगा कर और यहाँ से भी बास पॉइंट ले सकती है। ये देखिए 6 इंच का बास पॉइंट आया है यहाँ से लेने से। तब इसको देखिए हम सीधा कर लूँगी। तो यहाँ से देखिए हल्का सा गुलाई में शेप मिला दूँगी। उसके बाद हमें कतरी के लिए मेजरमेंट लेना है। तो ये 38 चाय से, तो कतरी का मेजरमेंट लेने से हम 38 को 10 से डिवाइड करूँगी। 38 को 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी मिलता है वही हम दबा रखूँगी। 3.9 इंच हम यहाँ पर डबल रखूँगी और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा हम यहाँ से 1 इंच रखूँगी। फिर यहाँ पर देखिए जो भी मिला है इसको हम हाफ कर लूँगी और यहाँ तक आता है हाफ। तो इस तरीके से यहाँ पर मेजरमेंट लेने से कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ को काट कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच उठाऊँगी। अगर आप उससे ज़्यादा कतरी के शेप ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से 1.5 इंच भी ले सकती है। तभी देखिए जहाँ जहाँ आप किया है वहाँ से मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए और एक बार ध्यान में रखना है, यहाँ से हम थोड़ा आइडिया करकर लगाना होगा और ये 2 इंच से 2 सूट ज़्यादा मिला है तो इसको देखिए यहाँ से मिलाना है। जहाँ से हम 1 इंच तक उठाया है वहाँ से इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ से फ्रंट नेक का शेप लगाऊंगी 3 इंच का। उसके बाद यहाँ से लेना है 6 इंच रखूँगी और इसको थोड़ा सा त्रिशा टाइप से यहाँ से मिला लूँगी। फिर यहाँ पर देखिए कतरी का और एक पार्ट को यहाँ से एक ही साथ में काट कर लेने से कतरी का शेप बराबर आता है। तो यहाँ से देखिए 4.5 इंच और यहाँ से हाफ इंच का डाउन करूँगी। फिर यहाँ से 1.5 इंच तक डाउन करूँगी।
तो यहाँ पर देखिए जहाँ से हाफ किया है वहाँ से मिलाना है इस तरीके से, दोनों कातुर के शेप को बराबर लगाने से और इसका शेप भी बहुत अच्छे से आता है। और यहाँ से 2 इंच का शेप लगाऊंगी। तभी देखिए हम इसको काट कर लूंगी। तो फिर देखिए हम यहाँ से यू पोटी काट करूँगी। इसको मैं देखिए थोड़ा बड़ा साइज लगाकर ही काट करूँगी, बैक साइड का कमर जितने से यहाँ से उतना ही से रखूँगी। तो मैं यहाँ पर देखिए अलग से फ्रंट साइड का यू पोटी के लिए पोटी काट नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ से 6 इंच और यहाँ से 5.5 इंच और यहाँ पर देखिए हल्का सा हम यहाँ से थोड़ा सा डाउन करते हुए मिला लूँगी इस तरीके से देखिए। अस्तर में कटिंग कंप्लीट है, अभी हम फैब्रिक में काट कर लूँगी। काटा हुआ अस्तर को इसके ऊपर में रखते हुए इस तरह से अच्छे से पिसा लूँगी मिलाकर। तो सभी पत्तों को काट करने के बाद अभी हम स्लीव काट करूँगी। स्लीव में देखिए हम नेट का फैब्रिक लगाऊँगी, तो इसको मैं 4 फूल में यहाँ पर पिसा लूँगी। देखिए तो यहाँ से थोड़ा सा काट कर सीधा कर लूँगी। तभी देखिए स्लीव का लंबाई आपको कितने इंच तक लेना है अब आपने हिसाब से ले लीजिए। मैं यहाँ से 16 इंच तक रखूँगी और यहाँ से देखिए 11.5 इंच तक लिया है और इसको इस तरह से मिला दिया। तब हम यहाँ से काट लगा लूँगी। तो यह बार मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक लगा काट कर रही हूँ, क्योंकि बाद में एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक होने से हम इसको काट कर सकते हैं, अगर कम होने से थोड़ा दिक्कत होता है। और यहाँ पर देखिए स्लीव का राउंड के साथ मैं यहाँ पर टोटल 7 इंच रखा है 4 फूल में। तो कटिंग कंप्लीट है, तब हम सिलाई कर लूँगी। सिलाई में यहाँ पर सबसे पहले बैक पार्ट करूँगी,
इसके लिए मैं यहाँ पर अलग से नेक पुट्टी काट नहीं किया है, अस्तर और फेब्रिक को एक ही साथ में सिलाई कर इसको सीधा साइड की तरफ से पलट लूँगी और यहाँ से देखिए सिलाई लगा लूँगी हाफ इंच तक। फिर हमने कुछ छोटा छोटा काट लगा लूँगी। तो यहाँ पर सीधा साइड की तरफ से पलटने से पहले यहाँ पर अस्तर के साइड की तरफ से फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लूँगी। ब्लाउज में मेन चीज़ यही होता है, उसका फिनिशिंग और इसका फिटिंग्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो इसलिए हर छोटी छोटी बात को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सिलाई कर लेना है। तब इसको हम सीधा साइड की तरफ से पलट लिया, देखिए। फिर हम कमर से एक सिलाई कर लूँगी जैसे कि अस्तर और फैब्रिक अलग ना हो। उसके बाद यहाँ से दांत सिलाई करूँगी और ये मैं 3 इंच तक लगाया है और सिलाई करूँगी हाफ इंच और उठाऊँगी 3.5 इंच तक। उसके बाद कमर पट्टी सिलाई करना है सिर्फ बैक साइड की तरफ से और यहाँ से हाफ इंच लगा सिलाई कर लूँगी। फिर यहाँ भी देखिए कमर पट्टी में फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाऊंगी कमर पट्टी के साइड की तरफ से। बैक पार्ट की सिलाई कंप्लीट है, अभी हम फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। फ्रंट पार्ट में देखिए कतरी का पार्ट को इस तरीके से मिलाकर यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर मिला लूँगी, इस तरह से रखना है और यहाँ से सिलाई लगाऊँगी। सिलाई हमेशा आपको डबल सिलाई ही करना है, नहीं तो कतरी में डबल सिलाई नहीं करने से क्या होगा, बाद में ये सिलाई छूट जाने के बाद इसको फिर से सिलाई करना मुश्किल होगा। तो इसलिए कभी भी ब्लाउज सिलाई करने से पहले इसको ध्यान में रखना है, सिलाई को बिल्कुल डबल सिलाई करना है। फिर हम कतरी के लिए यहाँ पर टैक्स लगाऊंगी, ये मैं 1 इंच से 3 छूट ज़्यादा यहाँ पर टैक्स लगाया है। अगर आप इससे ज़्यादा शेप चाहिए तो आप यहाँ पर 1.5 इंच उससे ज़्यादा भी ले सकती है। ये देखिए इस तरीके से शेप आया है। तब यहाँ पर देखिए इस पार्ट को लगाऊँगी फ्रंट साइड के अमूल का पार्ट और इसको इस तरह से सीधा साइड की तरफ से मिला लूँगी और यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर भी डबल सिलाई कर लिया है, तभी यहाँ से हम सिलाई करेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 2.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए अभी युग पट्टी को हम किस तरह से लेना है, देखिए इस तरह से हम रखूँगी और यहाँ से फुल करूँगी। तो फिर यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी। सिलाई देखिए बिल्कुल ध्यान में लगाना है जैसे कि ये ठीक जगह में रहे और यहाँ से 3 छूट का लगभग मैं यहाँ पर और एक सिलाई लगा लिया। फिर हम देखिए यहाँ से हुक पट्टी सिलाई कर लूँगी और ये लेफ्ट साइड क्या है इसको मैं ऊपर के साइड की तरफ से सिलाई करूँगी जैसे कि सीधा साइड की तरफ से और उल्टा साइड की तरफ से इसको पलट लूँगी। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्लेट डालना है छोटा सा, जहाँ पर मैंने कतरी का ज्वाइन दिया है वहाँ पर। अगर ये प्लेट नहीं डालने से आप इसको पलटने के बाद उल्टा साइड की तरफ से तब इसमें से कपड़ा खींचा पा जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिनिशिंग की सिलाई भी लगा लिया। फिर हम देखिए यहाँ इसको उल्टा साइड की तरफ से पलट लूँगी अभी इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पर देखिए इस सिलाई को 12 सिलाई करना है क्योंकि हुक सिलाई करने के बाद इस सिलाई को तो हम खोल ही दूँगी। यहाँ पर देखिए दोनों साइड का सिलाई कर लिया है। तभी देखिए हम यहाँ से नेक पट्टी सिलाई करूँगी फ्रंट साइड का।
बैक साइड के तो हमें एक साइड सिलाई कर लिया है फैब्रिक और अस्तर को, और यहाँ से हाफ इंच लेकर सिलाई करूँगी और कॉर्नर में जाकर हमें एक से दो प्लेट डालकर सिलाई करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर नेक पोती को सीधा ही काट किया है तो इसलिए यहाँ पर छोटा छोटा दो प्लेट लगा दिया। फिर नेक को हम छोटा छोटा काट लगा लूँगी। काट लगाने के बाद देखिए यहाँ भी फिनिशिंग के लिए नेक पोती के साइड की तरफ से सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ से भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है इसको काट कर लेना है। तो अभी देखिए दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लूँगी, बैक और फ्रंट पार्ट को, और यहाँ से इस तरह से बराबर मिलाकर यहाँ पर डबल सिलाई कर लूँगी। ज्वाइन करने के बाद अभी देखिए स्लिप सिलाई करूँगी। इसको देखिए मैंने मिडल से मिलाकर सिलाई करूँगी। स्लिप को मिडल से मिलाकर सिलाई करने से स्लिप बराबर फिटिंग्स आता है। यहाँ पर देखिए दोनों स्लिप को सिलाई कर लिए। तब हम इसको यहाँ पर लेस लगाऊंगे देखिए स्लिप में इस तरीके से देखिए यहाँ से। दोनों स्लिप का लेस लगा लिया। अभी देखिए साइड से हम ज्वाइन करूँगी। इसके लिए मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, इसे मैं यहाँ से किनारे से सीधा सिलाई लगाऊँगी। जैसे कि हम कमर पट्टी और योग पट्टी को फोल्ड करके सिलने में सुविधा हो, और एक है इसमें कभी भी छोटा बड़ा करने में आसान होता है इस तरीके से सिलाई लगाने से। तो इसके बाद हम यू पोटी को यहाँ से फुल करके सिलाई करूँगी देखिए, और इसके लिए मैं यहाँ से 7.5 इंच तक रखूँगी और यहाँ से इस तरह से फुल करूँगी। इस सिलाई के बाद देखिए अभी बैक साइड की तरफ से भी लेस लगाऊंगी। ये ब्लाउज के पीस के साथ ही मिला है तो यहाँ से हम लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम लगाना है।
तो फिर मैं 38 छज के हिसाब से मेजरमेंट ले लूँगी। ये देखिए ले लिया है, तो अभी उसी के हिसाब से सिलाई कर लूँगी। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जिस तरीके से डबल कट विकट ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग बताया है, तो उसी तरीके से आप कोई भी साइज़ का ब्लाउज को कटिंग कर सकती है और सिलाई कर सकती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कतरी के मेजरमेंट को किस तरह से लेना है, चेस्ट के मेजरमेंट को किस तरह से लेना है, ठीक उसी तरीके से आपका कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ को आप इस तरीके से मेजरमेंट लेकर काट कर सकती है और अपने लिए ब्लाउज सिल सकती है। ब्लाउज का सिलाई पूरा पूरी कम्प्लीट है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 इंच तक ज़्यादा लिया है दोनों साइड की तरफ से, और अब इसको सीधा साइड की तरफ से पलटना है। तो मैंने यहाँ पर हुक सिलाई कर लिया, यहाँ देखिए टोटल मैंने 5 हुक सिलाई किया है और यहाँ पर हुक का गर्व भी बना लिया। जहाँ जैसे हुक सिलाई किया है वहाँ से बराबर मिलाकर हुक का गर्व भी बना लिया, और यहाँ से देखिए हाथ से भी तुरपाई कर लिया है, जो कच्चा सिलाई दिया है इसको खोल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस ब्लाउज का मैंने सिलाई किया है। तो इसका कतरी के शेप किस तरीके से आया है देखिए, यहाँ पर कतरी के शेप भी बहुत अच्छे से आया है, और इसके फिटिंग्स भी देख लीजिए आप लोग, इस ब्लाउज का फिटिंग किस तरीके से आया है। तो ये देखिए इस ब्लाउज के फिटिंग्स यहाँ पर किस तरीके से आया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे यहाँ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए।